हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका 5 का COD। और ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है, मैं इसमें पूरा आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ जून 24 का सभी क्वेश्चन। तो अगर आप एक्सेस नहीं किए हुए प्लेलिस्ट को तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने इसका बाकी सॉल्यूशन भी करवाया है, जैसे दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22, जून 22, उन सबको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले देख रहे हो तो भी आपको सब देख के जाना है, ठीक है? मिनिमम है वह सब, कम से कम 3-4 साल को तो करना ही होता है। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन इट्स रैंक। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है ना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग को रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में लाना है और फिर उसका रैंक हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आया है, ये सेम क्वेश्चन भी आया है सेम वैल्यू के साथ प्रीवियस में, आप देख लीजिएगा जब देखोगे तो बाकी। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग का नॉर्मल फॉर्म ना तीन तरह से आ सकता है। एक तो ऐसा हो गया जिसके सभी डायगोनल में 1-1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा, एक ये हो गया। उसके बाद डायगनल का ही साथ खेला है, मतलब नॉर्मल फॉर्म मतलब डायगनल के साथ ही है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्म ऐसा हो सकता है जब दो ही वैल्यू सिर्फ डायगनल में 1 हो बाकी सब 0 हो, और एक और हो सकता है जिसमें सिर्फ पहला वाला 1 हो बाकी सब 0 हो। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म तीन तरह का, मतलब जिसमें तीनों में हो, दो में या एक में हो, तो ये हम लोग का नॉर्मल फॉर्म होता है। इन्हीं तीनों में से कोई एक हम लोग का आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और ये हम लोग को बाद पता तब चलेगा जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये बना के चलेंगे कि भाई पहला वाला में है, तो पहला वाला हो, दूसरा वाला हो, तीसरा वाला हो, कोई भी हो, हम लोग को क्या दिख रहा है कि डायगोनल को छोड़ के सब 0 है। तो हम लोग को वही काम करना है, ठीक है, डायगोनल को छोड़ के सबको 0 बनाना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोग का जो है, पहले मैंने इसको लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, आप देखिए ये है 0, 1, 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पर पहला वाला जो वैल्यू है ये 0 है, लेकिन हम लोग को कहीं पर भी इसको 0 नहीं है, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा रो जो है यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको ना इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब R1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, R1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर दिया हूँ, और ये कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है, ये नहीं कि आप मैं अपने मन से कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, R1 को R2 के साथ चेंज कर दिया हूँ, तो R1 का सारा उठ के R2 में चल जाएगा, और R2 का, तो R2 का क्या है 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 ऊपर आ गया, और 0, 1, 2 जो है वो नीचे चला गया, और R3 सेम ही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का ये हो गया। अब चलिए सबको 0 बनाना शुरू करते हैं, जो जो 0 बनाने वाला है, तो इसको 0 बनाएंगे पहले, इसी से शुरू करते हैं। 3 को 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्यों ना इसको, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर इससे माइनस कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो वही करूँगा, R3 - 3 × R1। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। तो R3 क्या है, तो R3 में चेंज होने वाला है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेगा, तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो वो सेम लिख दिया हूँ। और R3 में मैं कर रहा हूँ, तो R3 - 3 × R1, तो R3 क्या है 3 - 3 × 1 = 3। तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0, ये हो गया। अब क्या है, R3 1 है ना, -3 × R1, तो R1 क्या है हम लोग का 2 है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 - 1 मतलब 1 - 6 - 5 हो गया। सेम विथ यहाँ पे R3 क्या है 1 - 3 × R1, तो यहाँ पे 3 है 9, तो 1 - 9 क्या हो गया -8 है ना। अभी देखिए ये 0 हो गया। अब चलिए मैं किसी और को 0 बनाता हूँ, तो मैं इसको 0 बना लेता हूँ। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, R1 में ऑपरेशन करना है, ये R1 है, तो R1 में मैं क्या कर सकता हूँ, R1 माइनस अगर मैं 2R2 कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इस R2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर इससे माइनस करता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको 0 बनाते हैं। तो R1 = R1 - 2R2, मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 = 0। तो वही क्या हूँ, तो R1 में चेंज करने वाला हूँ, तो R2 और R3 सेम होगा, तो मैंने इसको सेम टू सेम लिख दिया। और R1 में करूँगा तो देखिए R1 क्या है 1 - 2R2, तो ये तो 0 है, तो 0 - 1 तो 1 ही होगा। फिर ये क्या है R1 - 2R2, तो 2 - 2 × 1, तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए R1 - 2R2, तो R1 क्या है 3 - 2 × 2 = 4, 3 - 4 तो -1 होगा। तो ये हो गया। अब देखिए किसको 0 बना देता हूँ मैं, तो मैं इसको 0 बनाता हूँ, -5 को, है ना। मैं क्या बोला, डायगनल जितने भी डायगनल को छोड़ के मैं सबको 0 बनाते जाता हूँ, और फिर वो अपना नॉर्मल फॉर्म में आते जाएगा। तो मैं जब इसको बनाने जाऊँगा R3 को, तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, तो देखिए ये R3 का है -5 है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर मैं इसके साथ ऐड कर दूँ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5 + 5 = 0 हो जाएगा। तो मैं वही किया हूँ, देखिए R3 + 5R2, ठीक है, तो 5 - 5 + 1 × 5 = 5 हो गया, तो +5 - 5 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर R3 में 0 आ जाएगा। तो देखिए R3 में चेंज करेंगे तो R1 और R2 सेम लिखा जाएगा, और R3 में चेंज हो जाएगा तो देखिए
ये तो ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये हो गया ज़ीरो। फिर ये तो हम लोग को माइनस फाइव प्लस फाइव ज़ीरो हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आर थ्री है माइनस एट प्लस फाइव इंटू आर टू, तो ये क्या है टू है तो टेन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का टू, ठीक है। अब देखिए आगे बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरो बना लिए, इसको ज़ीरो बना लिए। अब मैं इसको ज़ीरो बनाता हूँ, ठीक है, ये वाले को मैं इसको ज़ीरो बनाने जा रहा था, कोई प्रॉब्लम हो गया। आप इसको भी पहले ज़ीरो बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, वो चीज़ आपके बिल्कुल आपके ऊपर है। इसको भी आप पहले बना सकते हो, मैं पहले इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये आर टू में अगर मैं आर थ्री को माइनस कर देता हूँ, ये टू है ना, इसके साथ अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने वही किया, आर टू माइनस आर थ्री कर दो, तो आर टू में चेंज करने वाले तो आर वन और आर थ्री तो सेम होगा, तो आर वन और आर थ्री सेम हो गया। अब देखिए आर टू माइनस आर थ्री, तो आर टू माइनस आर थ्री ज़ीरो का ज़ीरो हो गया, वन माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो गया, टू माइनस टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ गया। अब देखिए अब मैं इसको ज़ीरो बनाऊंगा, है कि नहीं, इसको ज़ीरो बनाना है, तो चलो इसको ज़ीरो बनाते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं अब यहाँ पे देखिए आर वन और आर टू का कोई मैं लगा के नहीं करवा सकता हूँ, इसको ज़ीरो नहीं बना सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कॉलम में शिफ्ट हो जाता हूँ। अगर मैं कॉलम थ्री, ये कॉलम थ्री हुआ ना, तो अगर मैं इसको इसके साथ अगर प्लस कर देता हूँ तो ये माइनस वन है, ये प्लस वन हो गया, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो कॉलम थ्री में मैं कर सकता हूँ कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन, तो देखिए वही मैं लगाया कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन लगाया हूँ, तो कॉलम थ्री में चेंज होगा, ये दोनों सेम रहेगा, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, टू प्लस ज़ीरो टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए लास्ट में बचा ये टू, तो मेरे को इसको भी या तो वन बनाना होगा या तो ज़ीरो बनाना होगा। अब देखिए ज़ीरो इसको बना नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसको हम ज़ीरो कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन लगा के, है कि नहीं। तो हम लोग इसको सिर्फ वन ही बना सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि भैया इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए ज़ीरो बन जाएगा, वैसा मत कीजिएगा, इस एंगल से तो आप सबको ज़ीरो बना दोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग वन बना सकते हैं, वो भी कैसे, तो अगर मैं आर थ्री को वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वन बाई टू से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा वन बाई टू, और ये आर थ्री का है टू, तो टू से टू कर गया तो वन आ जाएगा। तो हम लोग का आर थ्री क्या हो जाएगा, आर थ्री में चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आर थ्री में ये तो जीरो है, जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो जीरो ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो किसी से तो जीरो ही रहेगा ना, और इसको हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा वन, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का नॉर्मल फॉर्म बन के आया, ठीक है। तो जब हम लोग, मेरा ध्यान क्या था, मेरे को बस डायगनल को छोड़ के सबको अपना जीरो बनाना था, मैं जीरो बनाते गया, अब अपना बीच में जो बन रहा था वो बनते गया। तो इससे हम लोग का क्या आ गया, हैंस इसका रैंक क्या हो गया, देखिए अब रैंक मतलब क्या, जितने पे वन है, यानी कि एक दो तीन, मतलब पहला रो में भी वन है, दूसरे में भी वन है और तीसरे में भी वन है, तो ये हम लोग का रैंक बन गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री। मान लीजिए यहाँ पे जीरो होता तो रैंक क्या बन जाता, वन और टू, तो रैंक टू हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग का रैंक क्या है, तो थ्री है, तो हम लोग का रैंक क्या आ गया थ्री। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, मैंने हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से ये बनता है, कितना सिंपल है, देखिए ना, बस आपको लगाते जाना है ऑपरेशन अपने हिसाब से और करते जाना है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरे प्लेलिस्ट का, और ये जून 24 का पूरा लास्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है फाइव का डी नंबर, इफ़ वेक्टर ऑफ ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू जीरो, शो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए, ठीक है। इसको वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी बोलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ए बी सी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी इज इक्वल टू जीरो दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब सिंपल क्या करेंगे, पहले ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मतलब इक्वेशन जो है, ये पूरा इक्वेशन पहले इसमें हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वही क्या है, वेक्टर ऑफ ए को इस पूरे के साथ कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसमें भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं, तो ये ए सबके साथ होगा, तो ए इंटू ए हो गया, मतलब ए इंटू ए प्लस, फिर ये इसके साथ होगा तो ए इंटू बी प्लस, फिर ये सी इसके साथ इसके साथ होगा तो ए इंटू सी इज इक्वल टू, ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो गया, है कि नहीं। उसका देखिए ए इंटू ए, जब वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ ए सेम रहता है तो उसका हम लोग का इंटीग्रेशन मतलब ये हो जाता है ज़ीरो, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है, समझ जाइए, ज़ीरो, और ये जो ये सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी और यहाँ पर आया बी प्लस ए प्लस सी, तो मैं क्या किया हूँ, इसको उठा के इस तरफ लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हम लोग का, इसको मैं उठा के इस तरफ ले आऊँ, तो a प्लस बी ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये उठ के इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस ऑफ a इंटू सी, ठीक है, सिंपल बात है। तो अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस a इंटू सी है ना, इसको हम लोग उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं c इंटू ए, ठीक है। ये वेक्टर के कुछ रूल्स हैं, सिंपल नॉर्मल से रूल, a इंटू ए को करोगे ज़ीरो आएगा,
अगर ऐसा है माइनस ए इंटू सी है तो हम लोग इसको चेंज करके सी इंटू ए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सी इंटू ए। अब ये इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मत समझिएगा, ये हम लोग वैक्टर के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये क्रॉस है ये इसका अलग वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं माइनस ए को, यहाँ पर हम लोग चेंज करके सी इंटू ए कर दिए, तो यहाँ पर हम लोग ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू ए आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन वन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टेप जैसे ए के साथ किए थे, अब हम लोग बी को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, ठीक है। तो बस वही क्या हूँ, बी इंटू इन सब के साथ मल्टीप्लाई इंटू इज इक्वल टू बी इंटू इसको जीरो के साथ किए जीरो, फिर वही चीज़ बी को सबके साथ करेंगे तो बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। बी इंटू ए पता है आप लोगों को, बी इंटू बी जीरो होता है, जैसे कोई भी वैल्यू किसी के साथ भी करेंगे तो वो जीरो ही होगा, तो यहाँ पे बी इंटू बी जीरो हो गया, ये सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या कहूँ, ये जो बी प्लस सी है, बी इंटू सी है, इसको इस तरफ लेके आ गया हूँ इक्वल टू के इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी बी इंटू सी को इधर ही रहने दिया हूँ, इसको उठा के इधर लेके आ गया हूँ। अब देखिए ये इसलिए क्या हो ना, ताकि हम लोग का वैल्यू जो है वो आसानी से आ जाए। तो बी इंटू सी को इधर है, अब देखिए बी इंटू ए को इधर लेके आ गए, क्या हो गया माइनस बी इंटू ए हो गया, है कि नहीं, सिंपल मैथ। यहाँ पे प्लस में था, इधर का माइनस में हो गया। अब देखिए माइनस बी इंटू ए है, तो मैंने इसको बताया था ना, आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटू बी, जैसे यहाँ पे किया था माइनस ए को सी इंटू के दिया, यहाँ पे माइनस बी इंटू ए को ए इंटू बी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो इससे देखिए हम लोग का क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से यहाँ पे देखिए ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू सी मतलब सी इंटू ए, और बी इंटू सी क्या हो गया, वो आ गया हम लोग का ए इंटू बी। तो यानी कि क्या हो रहा है, ए इंटू बी जो है वो सी इंटू ए के बराबर है, और ए इंटू बी जो है वो बी इंटू सी के भी बराबर है। तो इससे क्या हो गया हम लोग का, तीनों प्रूफ हो गया, हैंस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इसको, ये हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बनाना था, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में कुछ देख रहे हो तो भी आप रुकिएगा मत अभी, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट जो है वो देख के आ जाइए, जैसे ये जून 24 है तो इससे पहले जो दिसंबर 23 का था वो देखिए, फिर जून 23 का देखिए, फिर दिसंबर 22 का देखिए, फिर जून 22 का देखिए, इतना तो करके जाना ही होगा आपको। और अगर आपके पास अभी टाइम है, बहुत पहले देख रहे हो ये सब चीज़ों को, तो आप आराम से 3-4 साल को करके जाइए। 4 साल को अगर करके चले जाते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। मैंने फिर भी अभी 2.5 साल का करवा दिया है, बाकी आप खुद से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा। ये पूरा प्लेलिस्ट अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट्स कीजिए, क्या कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू बीसीएस से रिलेटेड, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए, आपके काम को कंटेंट मिल जाएगा, बीसीएस 12 का भी मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, और आने वाले सेमेस्टर में जितने भी पढ़ाए उन सब का भी आपको यहाँ पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।